दिल्ली सरकार में जो अफसर काम करते हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले 7 साल से अवैध नियंत्रण कर रखा है, असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है और बीजेपी लगातार इस असंवैधानिक कब्जे का, अफसरों के ऊपर इस असंवैधानिक कब्जे का दुरुपयोग करती रही है। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। ये नोटिस दिल्ली के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी सचिव श्रीमती एलिस वाज जी ने जारी किया है अरविंद केजरीवाल जी के नाम। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वाज जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल जी से की जाएगी, 163 करोड़ रुपए की वसूली। और एलिस वाज जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर फेलिंग विच फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन इन दिस मैटर। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वाज जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वाज जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है 2015 में, 2020 में पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देके चुना है दिल्ली के लोगों ने। और दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को कि दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम लीजिए, इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए, दिल्ली का विकास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे काम नहीं करने दे रही अफसरों को, जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का, नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है, संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे देके अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए, अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार।